डीडवाना उपखंड अधिकारी ने ली अधिकारियों की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। डीडवाना की पुरानी पंचायत समिति सभागार में उपखंड अधिकारी जीतू कुलहरी ने क्षेत्र के उपखंड स्तरीय अधिकारियों की सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के सफल संचालन, प्रभावी मॉनिटरिंग एवं समीक्षा को लेकर एक बैठक ली। बैठक में सभी उपखंड स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया। उपखंड अधिकारी ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नए वोटर अपने नाम जुड़ा सकते हैं, शुद्धिकरण करवाने वाले वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण करवा सकते हैं। साथ ही वर्षा के मौसम में अधिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत हर घर 5 पौधे लगाने का लक्ष्य है। साथ ही विभागीय योजनाओं को लेकर भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। जनमानस की शिकायतें पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आज उपखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक डीडवाना पंचायत समिति सभागार में आयोजित की गई थी, जिसमें आगामी जो विधानसभा चुनाव है उनकी कार्य योजना तैयार की गई है। सभी विभागीय अधिकारियों को जो चुनाव आयोग से निर्देश प्राप्त हो रहे हैं उस संबंध में जो कार्य करने हैं उस बारे में दिशा निर्देशित किया गया है। अभी चूँकि विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट में नाम जुड़ना चालू है, इसलिए सभी से आग्रह है कि जो भी नव मतदाता है या ऐसे मतदाता जो पात्र हैं और वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ा हुआ है, वो संबंधित BLO के माध्यम से या स्वयं भी मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना फॉर्म भर सकते हैं। और 1 अक्टूबर 2023 से पहले जो भी 18 साल के आयु के हो रहे हैं वो सभी मतदाता अपना फॉर्म इसमें भर देंगे, ताकि वोटर लिस्ट जब तैयार हो तो आप वोट दे सकें जब विधानसभा चुनाव हो। तो सभी इसमें सभी विभागीय अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है और सभी आमजन से भी हमारी ये विशेष अपील है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कर लेवे और नए नाम मतदाता है तो अपना नाम आप जरूर जुड़वा लेवे। कुछ संशोधन है तो वो भी करवा लेवे। कहीं आपकी शादी होकर आई है तो उनका भी नाम यहाँ वोटर लिस्ट में नई जगह जुड़वा लेवे, पुरानी जगह से हटवा के। साथ ही विभागीय जो योजनाएँ हैं, फ्लैगशिप स्कीम्स चल रही है, उस बारे में भी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। बरसात के मौसम के मद्देनजर डीडवाड़ा उपखंड में प्लांटेशन का कार्य है वो जोरों शोरों पर चल भी रहा है और सभी को विभागीय अधिकारियों को अपने विभागीय कैंपस में प्लांटेशन हेतु, साथ ही इस बार हम सोच रहे हैं कि डोर टू डोर प्लांटेशन का कार्यक्रम भी चलाया जाए। सभी आमजन से हमारी अपील है कि अपने अपने घरों में कम से कम 5 पौधे इस बरसात के सीजन में आप जरूर लगाएं। इसमें हमारी विभागीय टीम आपकी मदद करेगी। पौधे आपके पास अवेलेबल नहीं है तो पौधे भी पंचायत के माध्यम से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। आप अपने घरों में प्लांटेशन जरूर करिए ताकि पर्यावरण है उसको भी शुद्ध किया रखा जा सके और हमें घर में अच्छा माहौल मिल सके। साथ ही जो रेगुलर विभागीय कार्यक्रम है हमारे, उस संबंध में निर्देशित किया गया है। विभागीय अधिकारी चूँकि अच्छा काम हमारे कर रहे हैं, साथ ही आगे अच्छा काम करते रहेंगे। जनमानस की जो शिकायतें प्राप्त होती है हमारे कार्यालयों में, साथ ही जनसुनवाई में, उन पर विशेष रूप से कार्रवाई करते हुए समय पर उसकी रिपोर्ट सबमिट करें, लोगों का काम समय पर निस्तारित करें, इस हेतु सभी को निर्देशित किया गया है। धन्यवाद।